वेलकम प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र विषय हिंदी कक्षा पांचवी का पूरा रियल पेपर और साथ में इसका हम पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा पांचवी का हिंदी का प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कोमल शब्द का अर्थ क्या होता है, मुलायम, कठिन, सरल और सहज। इसमें चार ऑप्शन में से एक आंसर आपका सही होगा। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में से त्यौहार किसकी बात की गई है, दिवाली, रक्षाबंधन, होली और ईद। तो इसका सही आंसर होगा दिवाली। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक विश्लेषण शब्द छाकिए, गुलाब, संजय, मीठा वह। इसमें से आप देख सकते हैं तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द होगा अश्व, हिरण, भालू, नील गाय। तो इसका सही आंसर होगा अश्व, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पांच जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या तुमने भोपाल घूमा है वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो ये डी नंबर का विराम चिन्ह लगेगा, यानी इस तरह का विराम चिन्ह लगेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सी गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, काम ना करना, काम आधा करना, काम प्रारंभ करना, काम समाप्त करना। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सात जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उपकार को मानने वाले वाक्यों को एक शब्द में लिखिए, परोपकारी, कृतज्ञ, कृतज्ञ और उपकारी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव था, तेर तर्जर, दयालु, निर्दयी, क्रोधी। क्वेश्चन नंबर नौ की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नौ जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में गहरा लगाव था, क्योंकि उनके घर में बहुत पेड़ पौधे थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वे पक्षियों के साथ रहते थे, वे मनोरंजक थे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है, बादल, आसमान, तारे, घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा, डी नंबर सही है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, किन्हीं तीन त्योहारों का नाम लिखिए। तो आप तीन त्योहार लिख सकते हैं, होली, दीपावली और रक्षाबंधन आप लिख सकते हैं तीन त्योहारों को नाम, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को वचन में बदल कर लिखिए। यह लहर दिया है, पेड़ दिया है और दरवाजे, इनको एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप अपने घर से शाला आते समय किन किन बातों का ध्यान देते हैं, यानी अपने घर से स्कूल जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, किसी कविता के चार पंक्तियां लिखिए, यानी किसी कविता आपकी किताब में जो है उसके चार पंक्तियां आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, दक्षिण, आराम, पृथ्वी। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए,
9, 2, 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। यहाँ पास 9, 2, 11 लिख लेना है, इसका अर्थ है भाग जाना। और इसके अर्थ वाक्यों में प्रयोग है तो पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, आपने कभी मिट्टी या कागज की कोई कलाकृति बनाई है तो उसके बारे में अनुभव लिखिए। आपने मिट्टी के यानी जैसे बर्तन वर्तन घड़ा वड़ा बनाने के लिए और कागज़ से नाव पता और हवाई जहाज बनाने के अपने अनुभव लिखिए, यहाँ पास अपना अनुभव लिखना है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से आप रेखांकित शब्दों को लिंग बदलकर लिखिए। बालक क्रिकेट खेल रहा है, काका बाजार आ गए हैं, नानी कहानी सुनाई। इन लिंग बदल के यानी बालक के जगह बालिका हो जाएगी, बालक की जगह क्या हो जाएगी बालिका, बालक के जगह बालिका हो जाएगी। और इसी तरह काका के जगह काकी हो जाएगी, काका के जगह काकी हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर है नाना के नानी के जगह नाना हो जाएगा। आप इन रेखांकित चिन्हों के आगे नाना ने कहानी सुनाई, काकी बाजार से आ गई और बालिका क्रिकेट खेल रही है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपने अपने विद्यालय घर में जो भी पेड़ लगाए हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनको पशुओं से बचाते हैं, उनमें पानी देते हैं और उनको किसी को तोड़ने से बचाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का शब्द 20 का देख लेंगे हम दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 है दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। गर्मी अंदर अंधेरा, तो गर्मी का क्या हो जाएगा ठंडी, ठंडी हो जाएगा, गर्मी क्या हो जाएगा ठंडी, अंदर का क्या हो जाएगा बाहर, बाहर है बाहर, अंधेरा का उजाला हो जाएगा उजाला। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए शब्दों में से किसी एक पर 10 वाक्य लिखिए। यानी प्री पशु पक्षी प्री खेल राष्ट्रीय त्यौहार, यानी प्री खेल पर भी आप 10 वाक्य लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 लाइन लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, आप अपने कक्षा शिक्षक को माता पिता के साथ यात्रा जाने के लिए 2 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने एक शिक्षक को पत्र लिखना है यानी आवेदन पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन के अवकाश चाहिए और माता पिता के साथ यात्रा आप यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए 2 वाक्य में तलखिए। यह रहा दोस्तों पूरा का पूरा हाफ ईयरली का पेपर। अगर इसका आंसर की वीडियो चाहिए पूरे के पूरे A to Z आंसर तो वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर जल्दी पहुँच जाए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।